सेंट्रल स्कीम स्टेट स्कीम अब जो गाहम किसी कने बड़ा पारा पारा विशिंग हाथ हाफों विशिंग जो जो सरकार की जी स्कीम दंगनी सरकार की जो प्लानिंग डेवलपमेंट की जे दंगनी अब रोनी सूसी इकोनमिक डेवलपमेंट खाने बी दिन पांडा दिन पांडा जी बड़ो सोसाइटी ने हदा अखरा दूँ अरनीगोर रंगरी बल ग्रे थे सकबा थी मानी अब हाई तीब्रा हा तीब्रा सारो सकबा थे बक्रक हिसाब से सर बक्सा बसई मानी अब अपारेशन दिन अपना हम अपने आज के रबर प्लांटेशन रबर विषय प्लीज आज के उपनगर कम्यूनिटी हल এটা হচ্ছে আমাদের টিআরপিসি দলাই জোন আন্ডারে পড়ে টিআরপিসি চারটা জোন আছে দলাই নর্থ সাউথ অ্যান্ড ওয়েস্ট এটা হচ্ছে দলাই জোন তো এই দলাই জোনের মধ্যে আমাদের ম্যাক্সিমাম টার্গেট ছিল দলাই সবচেয়ে অনুন্নত জায়গা ডিপ্রাইভ এরিয়া তো ইহাতে হাম লোক জাদা সে জাদা বেনিফিসিয়ারি কো বেনিফিট দেনে কে লিয়ে লাস্ট ইয়ার সে মে জব সে টিআরপিসি কা রেসপন্সিবিলিটি মিলা তব সে কোশিশ কর রহি হ্যায় লেকিন হাম লোক কা বেনিফিসিয়ারি এভার নহীঁ থা इसलिए लोगों का साथ हम लोग जुड़ना का बहुत मुश्किल हो रही है तो आज यहाँ पे हम डायरेक्ट आकर पूरा सोसाइटी आज यहाँ पे बुरु संक्रम मोहता से ऑर्गेनाइज किया है इनका थ्रू से जितने भी हम लोग का बेनिफिशरी है रावर प्लांटेशन करना सके आगर प्लांटेशन करना सके इसके साथ साथ बहुत सारे स्कीम के बारे में भी हम लोग आज बताना था क्योंकि बहुत सारे स्कीम हम लोग का बेनिफिशरी और फार्मर का सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का वोट है लेकिन हम लोग जानकारी नहीं है अवेयरनेस नहीं है इसलिए हम लोग सरकार का जितना भी पॉलिसी इसको लागू नहीं कर पाते तो हम गाँव तो शहर से गाँव तो गली गली तक सबको अवेयरनेस देने के लिए और सबको बेनिफिट देने के लिए बेनिफिशरी को और भी आगे बढ़ने के लिए देश को आगे बढ़ने के लिए और आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी ने की रही हो तो आत्मनिर्भर गाँव होना चाहिए आत्मनिर्भर व्यक्ति होना चाहिए हर सोसाइटी हर गाँव गाँव का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर ये उद्देश्य आज यहाँ पे बेनिफिशरी मीटिंग हुआ ये मीटिंग हुआ बेनिफिशरी मीटिंग और यहाँ पे हम लोग ये दिस साल कितना हम लोग बेनिफिशरी को बेनिफिट दे पाएगा कितना तक हम लोग का बेनिफिशरी इंटरेस्ट से जो प्लांटेशन करने के लिए रबर हो आगर हो जो भी प्लांटेशन और जो भी स्कीम लागू करने के लिए लोगों ने कितना इंटरेस्ट है इसको हम लागू करने के लिए आज का ये सभा है और आज के ये सभा में बहुत खुशी में क्योंकि गुरु सोसाइटी का जो चीफ डेन है वो भी मौजूद थे और ऑर्गेनाइजर जो गुरु संग्राम मोहम्मद था उसका प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल स्टेट कमेटी मौजूद थे और हम लोग का धलाई अंदर जितना भी बीएससी चेयरमैन इन लोगों भी आज यहाँ पर मौजूद थे और पूरा बेनिफिशियरी हॉल भरा है तो त्रिपुरा को और भी आगे बढ़ने के लिए शिशु त्रिपुरा बनने के लिए जो मेरा टारगेट दिया था वो टारगेट कंटिन्यूसली रहेंगी और जब तक मैं ये आत्मनिर्भर त्रिपुरा और श्रेष्ठ त्रिपुरा नहीं बनते तब तक हम लोग का कंटिन्यू जारी रहेगा थैंक यू।